हाय एवरीवन, आई एम रजत। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इन डिटेल पीसीएम स्ट्रीम के बारे में, यानी कि नॉन मेडिकल स्ट्रीम के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमें पीसीएम स्ट्रीम लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, क्या क्या हमें इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज आगे मिल सकती है, क्या पीसीएम स्ट्रीम को लेने के लिए हम एलिजिबल हैं नहीं है, क्या क्राइटेरिया है, कितनी परसेंटेज हमें लानी चाहिए क्लास 10th में कि हम पीसीएम स्ट्रीम ले सके क्लास 11th में। तो सबके बारे में इस वीडियो में इन डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखो, सबसे पहले आप कोई भी स्ट्रीम ले रहे हो, आप चाहे ह्यूमैनिटीज ले रहे हो, आप कॉमर्स ले रहे हो, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कोई भी स्ट्रीम आप ले रहे हो, आपको अपना इंटरेस्ट देखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मेरा इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइड, टेक्नोलॉजी साइड मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है और मैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस में अपना करियर देखता हूं, तो इसलिए मैं पीसीएम स्ट्रीम लेने वाला हूं क्लास 11th में। अब आपका इंटरेस्ट अगर बिजनेस साइड है तो आप कॉमर्स स्ट्रीम लोगे, अगर आपका सिविल सर्विसेज साइड इंटरेस्ट है, सिविल सर्विस में आप जॉब करना चाहते हो तो आप आर्ट्स स्ट्रीम लोगे। इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। जैसे नॉर्मली हम सोसाइटी में परसेप्शन सा होता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट आर्ट्स स्ट्रीम लेता है तो पढ़ाई में वीक होगा, उसकी वो पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा, बेसिकली हम ये जज करते हैं उसको, जो कि बिल्कुल गलत है। इस परसेप्शन में आपको बिलीव नहीं करना है। आपका जो इंटरेस्ट है, जो आपकी स्किल्स है, जिसमें आपका पैशन है, जो आप अपना फ्यूचर जिसमें आप देखते हो, उसके हिसाब से उसमें आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी स्ट्रीम लोगे, ठीक है। आज इस वीडियो में पीसीएम स्ट्रीम यानी कि नॉन मेडिकल स्ट्रीम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो देखते हैं। सो इफ यू ऑप्ट फॉर नॉन मेडिकल स्ट्रीम, ठीक है, पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, होपफुली आपको इतना पता होगा। तो देखो, ये जॉब अपॉर्चुनिटीज है, ये मेन है। पहली बात, जो पीसीएम स्ट्रीम है, जो नॉन मेडिकल स्ट्रीम है, वो सबसे ज्यादा डाइवर्स स्ट्रीम है, यानी कि सबसे ज्यादा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपको इसी स्ट्रीम में मिलती है। अगर आप सारी स्ट्रीम से कंपेयर करोगे, सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज इसी में है, ठीक है। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, ढेरों एग्जांपल्स हैं, पूरी स्लाइड भी कम पड़ जाएगी। बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है अगर आप क्लास 11th में पीसीएम स्ट्रीम को ऑप्ट करते हो। जैसे कि सबसे बड़ा इंजीनियरिंग में आपकी सिविल इंजीनियरिंग आती है, बहुत सारी इसकी ब्रांचेस होती हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई, तो उसमें फिर आप अलग अलग कंपनीज में, जैसे अगर आप जेई का एग्जाम देते हो तो फिर आप कॉलेज में जाते हो, कॉलेज में कंपनीज आती हैं, तो वो आप इंटरव्यू देते हो, फिर आप कंपनीज में सिलेक्ट होते हो, तो इंजीनियरिंग भी एक बहुत बड़ा जॉब अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन। जैसे कि पर्सनली मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन में है, सो मैं भी इसलिए पीसीएम स्ट्रीम लेने वाला हूं क्लास 11th में। सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बन सकते हो, एविएशन यानी कि पायलट आपको बनना है तो उसमें भी आपको पीसीएम स्ट्रीम लेनी होगी। एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो, एयरफोर्स में जाना चाहते हो, नेवी में जाना चाहते हो, एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट ये है, एनडीए में अगर आप देखो, फॉर एग्जाम्पल किसी ने आर्ट स्ट्रीम लिया क्लास 11th में, क्या वो एनडीए का एग्जाम नहीं दे सकता? क्या वो एयरफोर्स में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं? देखो फ्रेंड्स, अगर आपने आर्ट स्ट्रीम लिया है या मेडिकल स्ट्रीम लिया है तो आप आर्मी में जा सकते हो, लेकिन अगर आपको एयरफोर्स या नेवी ज्वाइन करनी है तो यू हैव टू टेक पीसीएम स्ट्रीम। ये मैं आपको जस्ट एक एक्स्ट्रा थिंग बता दी अगर आप एनडीए में जाने की सोच रहे हो। नेक्स्ट है डेटा साइंटिस्ट, आप बन सकते हो, अगेन अ वेरी रेप्यूटेड जॉब, बहुत ही एक फैशनेबल जॉब है ये। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप तभी आप पीसीएम स्ट्रीम लोगे। एंड मेनी मोर, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज यहां पे आपको मिलेगी अगर आप पीसीएम स्ट्रीम ऑप्ट करते हो तो, ठीक है। एंड आगे बढ़ते हैं, अब इसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। 10th में क्या आप एलिजिबल हो 11th पीसीएम स्ट्रीम लेने के लिए, क्या क्या आपको चीजें करनी होंगी? देखो, आपका परसेंटेज रिक्वायरमेंट कितनी है, 65-70%। अब ये जो परसेंटेज है ये फिक्स नहीं है, ये वेरी करेगा, आपको स्कूल में अपना कंसल्ट करने बात करनी पड़ेगी कि कितनी परसेंट में वो आपको पीसीएम स्ट्रीम देंगे नहीं देंगे। 65-70% ये एवरेज रहता है, कई स्कूल्स में 80% भी होता है, कईयों में इससे कम भी होता है। इट जस्ट वेरीज फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, आप अपने स्कूल से कंसल्ट कर लेना, ठीक है। स्टैंडर्ड मैथ्स होना चाहिए क्लास 10th में। अगर आपने क्लास 10th में बेसिक मैथ्स लिया था तो पीसीएम स्ट्रीम आपको नहीं मिलेगी। पीसीएम स्ट्रीम लेने के लिए, नॉन मेडिकल स्ट्रीम को ऑप्ट करने के लिए आपके पास स्टैंडर्ड मैथ्स होना चाहिए क्लास 10th में। क्लियर हो गया? और कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतने हाई फाई नहीं, बहुत ही सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका। अब और फ्रेंड्स, पीसीएम स्ट्रीम लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट, सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि इसमें जो ये जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत ही फास्ट रेट पे इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। आप जानते हो टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी जल्दी डेवलप हो रही है, आपको पता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कितनी ज्यादा डिमांड है, कितनी हाई पेइंग जॉब्स हैं, लोग इतने अट्रैक्ट हो रहे हैं जॉब्स की तरफ, तो आप जानते हो यार स्कोप बहुत ज्यादा है। अगर आप नॉन मेडिकल स्ट्रीम लेते हो, मेहनत करते हो, सो यू कैन इजीली गेट अ गुड जॉब। एंड यहाँ पे जो अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है, पर्सनली मेरा खुद इसमें इंटरेस्ट है कंप्यूटर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, सो आई विल सजेस्ट कि अगर आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में, सो यू शुड डेफिनेटली टेक नॉन मेडिकल स्ट्रीम इन क्लास 11th। एंड जो भी स्ट्रीम आप ले रहे हो, चाहे आप आर्ट्स ले रहे हो, ह्यूमैनिटीज ले रहे हो, कॉमर्स, मेडिकल, जो भी स्ट्रीम आप ले रहे हो, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, आपका जिसमें पैशन है, जो आप अपना फ्यूचर जिसमें आप देखते हो, उसके बेसिस पे अपनी स्ट्रीम को सिलेक्ट करना, सोसाइटी के परसेप्शन के बेसिस पे अपने डिसीजन को इन्फ्लुएंस मत होने देना। एंड आई विश यू ऑल दी बेस्ट टू ऑल, जो भी स्ट्रीम आप ले रहे हो, आप सभी को मैं ऑल दी बेस्ट विश करता हूँ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।